अब धीरे धीरे बाबा की कुटिया में दिलाराम बाबा से मिलन मनाने जाती हूँ। प्यारे बाबा, शिव बाबा के संग इस कुटिया में हर बच्चे को कितने प्यार से मिलते एवं सबके दिल की बातें सुनते हुए हर रूह को राहत देते। मीठे बाबा, हर बच्चे की दिल की भावनाओं को समझते हुए उन्हें बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं भरे पत्र लिखकर उनमें उमंग उत्साह भर देते थे। इन्हीं लाल अक्षरों वाले पत्रों से बाबा आपने भाग्य विधाता बन कई बच्चों की श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर की तस्वीर बना दिया। आज मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि बाबा आप मेरे दिल की हर भावना को समझते हुए मेरे मन का बोझ हर कर मुझे एकदम हल्का कर रहे हो। यही आवाज सुनाई दे रही है। बच्चे, बाबा सदा साथ है। बच्चे, बाबा सदा साथ है। और ये कहते हुए बाबा आप मुझे अपने साथ होने का एहसास कराते हो। मेरा मन शांत हो रहा है और मेरे दिल को राहत मिल रही है। मैं भीतर से शक्तिशाली बन रही हूं। बाबा, आप मेरी हर उलझन को सुलझा देते हो और मुझे स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हो। आपका वरदानी हाथ मैं अपने सिर पर महसूस कर रही हूं। और आपके वरदानों से मैं स्वयं में हिम्मत का अनुभव कर रही हूं। बाबा, रूहानी बागबान बन आप मुझ में दिव्य गुणों को सींच कर मुझे योग्य पात्र आत्मा बना रहे हो। आपकी शिक्षाओं ने मुझे रूहानी जीवन जीने की कला सिखा दिया है। बाबा, आपका ये रूहानी प्यार और दुलार पाकर मैं स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रही हूं।
इसी कुटिया में बैठ बच्चों से भविष्य योजनाओं की चर्चा करते, ऐसे लग रहा है जैसे रूहानी बागबान अपने मालियों से बैठकर उन्हें फूलों को संभाल करने की विधि सिखाते हैं एवं सुंदर गुलदस्ता बनाने की प्रेरणा देते हैं।